अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद नूर, वेलकम टू नेसेंट मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी उर्दू में क्या पहचान है, उर्दू फिगर देखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस है। इसके अलावा इसके हेल्पिंग वर्ब को भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा इसके फॉर्म ऑफ वर्ब को भी हम डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देखेंगे क्या है, और इसके बेसिक रूल्स भी देखेंगे वो बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसमें सिंस एंड फॉर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका इस्तेमाल भी देखेंगे। अक्सर स्टूडेंट सिंस और फॉर का इस्तेमाल गलत करते हैं, जहाँ सिंस आना था वहाँ फॉर लगा देते हैं, जहाँ फॉर आना था वहाँ सिंस लगा देते हैं, जिनकी वजह से उनके एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मुकम्मल पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेंस कंप्लीट आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताया चलें कि वी आर एन एस एम मेंटोर, इस चैनल पर हम आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, इसकी उर्दू में शनाख्त कैसे होती है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जुमलों में अगर वक्त शामिल कर दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। फिर से सुन लो कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जुमलों के अंदर वक्त को शामिल कर दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर, अली सो रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमें पता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब अली 2 घंटे से सो रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। अली 2 घंटे से सो रहा है क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया? वक्त डाल दिया, और वक्त कौन सा है? वो ये दो घंटे जब डले इसके अंदर तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर मैंने क्या डाला? वक्त डाला। अच्छा, अब ये वक्त किस तरह का होता है? देखें, वक्त 2 तरह का होता है, याद रखनी ये बात। सेंस और फॉर का इस्तेमाल यहीं से आएगा आपको। एक होता है मोयन वक्त, एक होता है गैर मोयन वक्त। मोयन वक्त को हम प्रॉपर टाइम भी बोलते हैं और गैर मोयन को हम कॉमन टाइम भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसा वक्त जिसमें हमें वक्त की मिकदार मुकर्रर हो, हमें पता हो वक्त की मिकदार, तो वो हमारा मोयन वक्त कहलाएगा, यानी कि प्रॉपर टाइम कहलाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 2 बजे, 3 बजे, पैदाइश का भी पता होता है कि कौन कब पैदा हुआ, बचपन का भी पता होता है, सुबह, दोपहर, शाम, कल, हफ्ता, इतवार, जून, जुलाई 1960, 2022, 23 मार्च 1940, जिसमें हमें प्रॉपर टाइम का पता हो वो हमारा क्या कहलाएगा? मुअय्यन वक्त कहलाएगा और प्रॉपर टाइम कहलाएगा। और जहाँ पे भी आपको प्रॉपर टाइम नज़र आ जाए आपने क्या करना है? सेंस लगा देना, आंखें बंद करके। देखिए, ये आसान सी ट्रिक है, इसमें कोई आपने हवाई जहाज़ के पुर्जे फिट नहीं करने, कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना होगा आपको। बस आपको अगर ये कुछ नज़र आए तो आपने सेंस का इस्तेमाल आंखें बंद करके कर देना है। इस तरीके से कॉमन टाइम जो है हमारा गैर मुइन वक्त कहलाता है। अब देखिए, वक्त की मुकर्रर मकदार इसमें नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि वक्त कितना है, वक्त की एक्चुअल क्वान्टिटी कितनी है। देखें, 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा, हमें नहीं पता कौन से 1 घंटे। 2 दिन, कितने 2 दिन भाई, कौन से 2 दिन, हमें नहीं समझ में आ रही इसकी। 10 दिन, 4 माह, 7 साल, 8 साल, इन सारे अगर ये वक्त हमारे पास हो गैर मुअय्यन, तो यहाँ पे हमने फोर का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बता दिया वक्त 2 तरह का होता है, एक प्रॉपर, एक कॉमन। जो कॉमन होगा उसके साथ हम फोर का इस्तेमाल करेंगे, और जो प्रॉपर होगा उसके साथ हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक हमारी कहानी हुई ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? हेल्पिंग वर्ब आपने हैज़ हैव बीन इस्तेमाल करना है। ये हैज़ हैव बीन, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका ही, शीट या वाहिद होगा तो उसके साथ हमारा हैज़ बीन लगेगा, आई वुड, दे यू जमा के साथ हैव बीन लगेगा। इस तरीके से वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? इस टेंस के अंदर भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जी, फॉर्मूला कौन सा है? देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने हैज़ या हैव लगाना है। सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन लगेगा, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर से सुन लो फॉर्मूला, पहले आएगा सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लगाना है? आईएनजी वाली फॉर्म। उसके बाद हमने क्या कर देना है? ऑब्जेक्ट का तर्जमा कर देना है। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया? इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अंग्रेजी बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं कौन कौन से, बहुत ईजी हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का तर्जमा करना है। सब्जेक्ट का तर्जमा आपने सबसे पहले करना है। सब्जेक्ट का तर्जमा बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले करना है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले टेंस जो मैंने करवाए हैं उनमें भी यही चीज़ें थी। उसके बाद आपने हैज़ या हैव बीन इस्तेमाल करना है, हैज़ या हैव बीन। अब ये देखें आप, यहाँ हमने लिखा है सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शीट या वाहिद होगा तो आपने हैज़ बीन लगाना है।
अगर सब्जेक्ट ही शी इट या वाहिद होगा तो आपने उसके साथ हैज़ बीन लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वु दे यू या जमा होगा तो उसके साथ हमने हैव बीन लगा देना आँखें बंद करके, ठीक है। इसी तरीके से फिर ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर हम सेंस और फॉर लगाएंगे और हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इन रूल्स को फॉलो करके बनेगा। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है छोटा सा कि अगर वक्त में वक्त अगर हमारा वक्त या टाइम मुअय्यन हो यानी कि प्रॉपर टाइम हो तो उसके साथ हमने सिंस लगाना है। क्या लगाना है? सिंस। और अगर हमारा वक्त गैर मुअय्यन यानी कि कॉमन हो तो उसके साथ हम लगाएंगे फॉर। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझा कि वो क्या होता है, सिंस फॉर का इस्तेमाल भी समझ लिया, उसके हेल्पिंग वर्ब भी समझ लिए। अब हम इनके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। जी, तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, उसी के साथ ही नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये पॉजिटिव सेंटेंसेस ही होते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही जी तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। देखें, पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो दो साल से स्कूल जा रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के जुमले में हमने वक्त शामिल किया तो हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वो दो साल से स्कूल जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू ईयर्स। यहाँ पे फोर लगा, सिंस नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के वक्त होते हैं, दो तरह के टाइम होते हैं, एक प्रॉपर टाइम, एक कॉमन टाइम। जो कॉमन टाइम होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। इसी तरीके से किसान सुबह से बीज बो रहा है। फार्मर हैज़ बीन सोइंग सीड सिंस मॉर्निंग। अब ये सिंस यहाँ पे लगा, सिंस क्यों लगा? क्योंकि ये हमारा प्रॉपर टाइम है, ठीक है, मुअय्यन वक्त है, इसमें हमें पता है सुबह कब होती है। इसी तरीके से हम शाम से किताबें पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग सॉरी। तो यहाँ पे भी हमारा सिंस लगा क्योंकि हमें पता है मॉर्निंग कब होती है, इवनिंग कब होती है, दोपहर कब होती है, इन सारी चीज़ों का हमें पता ही है, हमारे प्रॉपर टाइम में आते हैं, इसलिए तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? सिंस लगाया। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके। अब देखिए, मनफी बनाने के लिए आपने क्या करना हैज़ या हैव के बाद आपने नोट लगाना है। मनफी बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद आपने क्या लगाना है? नोट लगाना है। जैसे वो दो साल से स्कूल नहीं जा रहा। ही हैज़ नॉट बीन, बीन से पहले और हैज़ के बाद आपने नोट लगाना है। वो दो साल से स्कूल नहीं जा रहा। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू ईयर्स। बाकी चीज़ें वही रहेगी, आपने बीन से पहले और हैज़ के बाद जो है ना नोट लगा देना है। इसी तरीके से हम शाम से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस इवनिंग। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस हैज़, ये हैज़ रहा हमारा और ये हैव, इनके फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया तो हमारा क्या बन गया? ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरीके से अगर हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखें, सवालिया बनाने के लिए आपने हैज़ या हैव को जुमले के शुरू में लेके आना, बस बीन को नहीं छेड़ना, हैज़ या हैव को जुमले के शुरू में लेकर के आ जाना, तो हमारा क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और आखिर में हमें पता है कि सवालिया निशान तो हमने लगाना ही होता है क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव मतलब सवालिया निशान, सवालिया क्वेश्चन, तो फिर सवालिया हमने लगाना होगा तो निशान भी लगाएंगे। उसके बाद वो कहता है क्या वो दो साल से स्कूल जा रहा है, क्या वो दो साल से स्कूल जा रहा है? हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू ईयर्स। यहाँ पे सिंस ऑफ फॉर को भी नहीं छेड़ना, वर्ब की फॉर्म को भी नहीं छेड़ना, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने हैज़ को जुमले के स्टार्ट में लेकर के आ जाना। इसी तरीके से क्या हम शाम से किताबें पढ़ रहे हैं? हैव वी बीन रीडिंग बुक्स सिंस इवनिंग। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसकी हम प्रैक्टिस वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए, ताकि आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।